हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मार्स तक पर। तो फ्रेंड्स, साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची बोर्ड ने फाइनली अभी सीकेपी डिवीज़न का जो पोस्ट असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू और अदर जितने भी पोस्ट थे उनका ज्वाइनिंग डेट दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि नोटिस में उन्होंने कौन कौन से डिपार्टमेंट को कब रिपोर्टिंग टाइम दिए हैं ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू कैंडिडेट नेम यहाँ पर दिया है मिथिलेश कुमार साहू और इनके फादर्स नेम सगुन साहू और इनका रिपोर्टिंग टाइम जो दिया है, रिपोर्टिंग डेट जो दिया है 2/5/2023। असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका रिपोर्टिंग 2/5 मई महीना में इनको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, टोटल 38 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको एसएनटी में मिला है। इन सभी साथियों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर दो नंबर में देख सकते हैं रोहित कुमार यादव और यहाँ पर संत यादव, यहाँ 2/5 इनको भी रिपोर्टिंग करना है और ये सभी कैंडिडेट सीएनडब्ल्यू के हैं। और इसके बाद बात करें तीन नंबर में तो देख सकते हैं दिग्विजय कुमार सिंह और इसका इनके फादर का नेम है भूषण प्रसाद रॉय और इनको भी सीएनडब्ल्यू और इनका भी 2/5/23 को रिपोर्टिंग करना है। इसके अलावा और भी देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा डिपार्टमेंट में किस डिपार्टमेंट को कितने तारीख को ज्वाइनिंग लेटर दिया है रिपोर्टिंग करने के दिया है। सिग्नल और टेलीकॉम असिस्टेंट सिग्नल और टेलीकॉम का डिपार्टमेंट देख सकते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले हम लोगों ने सीएनडब्ल्यू देखा था कैरिज एंड वैगन डिपार्टमेंट दिया था और यहाँ पर सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट नेम सीरियल नंबर दिया है, कैंडिडेट नेम असित कुमार और इनके फादर नेम राधंत महता और इनका जो है रिपोर्टिंग टाइम डेट ऑफ रिपोर्टिंग 3/5/2023। तो सिग्नल और टेलीकॉम के जितने भी कैंडिडेट हैं लगभग कैंडिडेट की बात करें तो 49 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिग्नल और टेलीकॉम में हुआ है और इनका रिपोर्टिंग 3/5/2023 को। तो सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। शिव कुमार मंडल, इनका फादर नेम राजू मंडल, इनका भी 3 तारीख को रिपोर्टिंग दिया है। तो इस तरह असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम का रिपोर्टिंग टाइम जो ज्वाइनिंग का डेट दिया है वो 3/5 को है। तो फ्रेंड्स, 3/5 तक आप लोग जाकर रिपोर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सीनियर क्लर्क, तो सीनियर क्लर्क में टोटल 19 कैंडिडेट है जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अमित कुमार मोदी जो सीरियल नंबर 1 है इन कैंडिडेट का नाम है और इनका फादर नेम है किस्तो प्रसाद मोदी और इनका डेट ऑफ रिपोर्टिंग जो है 28/4/2023। तो सीनियर क्लर्क में जितने भी कैंडिडेट है 19 कैंडिडेट, इन सभी साथियों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई और 28/4/2023 को जाकर रिपोर्टिंग करेंगे सीकेपी में और यहां से अपना ज्वाइनिंग ले लेंगे। तो 19 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सीनियर क्लर्क में हुआ है और देखते हैं फ्रेंड्स आगे की डिपार्टमेंट में कितने कैंडिडेट का हुआ है। अब फ्रेंड्स आगे देखें तो असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, तो यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स रिशु रंजन कुमार और उपेंद्र प्रसाद, ये कैंडिडेट का नाम यही इनके फादर का नेम और इनका डेट ऑफ रिपोर्टिंग 3/5/2023। तो 3/5/2023 में जाकर ये भी अपना ज्वाइनिंग ले लेंगे और जिन भी कैंडिडेट का असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक में हुआ है उन सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। तो 13 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक में हुआ है। और नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने कैंडिडेट का हुआ है। अब अगर बात करें फ्रेंड्स असिस्टेंट वर्क्स, तो देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट वर्क्स में 4 कैंडिडेट है जिनका हुआ है। यहाँ पर मंतोष कुमार दोसांधी और इनका फादर नेम भूषण चंद्र दोसांधी और इनका जो डेट ऑफ रिपोर्टिंग है यहाँ 2/5। तो 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका असिस्टेंट वर्क्स में हुआ है। तो इन चारों साथियों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट में कौन सा डिपार्टमेंट का दिया गया। अब आगे की बात करें फ्रेंड्स तो देख सकते हैं ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कैंडिडेट 91 टोटल कैंडिडेट। अगर देखेंगे तो असिस्टेंट पॉइंट ग्रेड 4 में काफ़ी कैंडिडेट है फ्रेंड्स और यहां पर देख सकते हैं टोटल 12 पेज में यहां पर दिया गया है और 12 पेज में अगर बात करें तो 553 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ग्रेड 4 में हुआ है ट्रैकमैन में। तो सभी साथियों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सीरियल नंबर दिया है राकेश कुमार महतो जो कि इन कैंडिडेट का नाम है और सहदेव महतो इनका फादर नेम है और इनका जो है डेट ऑफ रिपोर्टिंग 9/5/2023 को इनको रिपोर्टिंग दिया गया है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट को जो ह्यूज मात्रा में दिया गया है फ्रेंड्स, ह्यूज मात्रा में ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 कैंडिडेट को दिया गया है। 553 ऐसे कैंडिडेट है जिसको ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में मिला है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट में कौन सा डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स आगे बात करें तो असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिक, यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स संदीप कुमार दे ये जो कैंडिडेट का नाम है और इनका तपन कुमार दे इनके फादर नेम है और इनका जो डेट ऑफ रिपोर्टिंग है ये है 4/5/2023। तो असिस्टेंट लोकोसेट के जितने भी कैंडिडेट है जिनका अभी यहाँ ज्वाइनिंग दे दिया गया है फ्रेंड्स, तो इन सभी साथियों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। 29 ऐसे कैंडिडेट है जिनका कि इलेक्ट्रिकल
असिस्टेंट लोको सेट में मिला है। तो इन टोटल कैंडिडेट को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। संदीप कुमार, सरोजीत घोष, इनको चार तारीख पाँचवा महीना मई के महीना में इनको रिपोर्टिंग करना है और जाकर ज्वाइनिंग करना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कौन सा डिपार्टमेंट है। अब फ्रेंड्स आगे बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट ट्रैक मशीन यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक दो तीन इस तरह से टोटल कैंडिडेट की बात करें असिस्टेंट ट्रैक मशीन में, तो यहाँ पर देख सकते हैं दो पेज में 47 कैंडिडेट ऐसा है जिनका असिस्टेंट ट्रैक मशीन में हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर एक नंबर में अरशद हुसैन जी का है नाम और कैंडिडेट का, और इनका फादर नेम है कलमुद्दीन अंसारी, और ये है इनका डेट ऑफ रिपोर्टिंग 3/5/2023 को इनको रिपोर्ट करना है फ्रेंड्स। तो सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई सभी भाइयों को जिनका असिस्टेंट ट्रैक मशीन में हुआ है। और देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कौन सा डिपार्टमेंट है। अब फ्रेंड्स आगे बात करें तो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो ये रहा फ्रेंड्स 16 ऐसे कैंडिडेट है एक ही पेज में दिया गया है। तो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो भी कैंडिडेट है इनका आशीष कुमार और इनका फादर नेम है मोहन लाल, तो इनका जो है रिपोर्टिंग देख लीजिए फ्रेंड्स, डेट ऑफ रिपोर्टिंग 28/4/2023 को इनको सीकेपी डिवीजन में जाकर रिपोर्टिंग करना होगा और जाकर अपने ज्वाइनिंग ले लेने होंगे। तो 16 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में हुआ है फ्रेंड्स, जो कि लेवल 2 का है, और यहाँ पर 16 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका हुआ है। सभी साथियों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। ललित नारायण महतो और इसके बाद विनय कुमार महतो, इन सभी कैंडिडेट को, सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। अब फ्रेंड्स आगे बात करें तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन, तो फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं असिस्टेंट पॉइंट्स में टोटल जो कैंडिडेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ है फ्रेंड्स इनका भी सिलेक्शन, जो कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के बाद पॉइंट्समैन का दिया है 6 पेज में, यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। यहाँ पुरुषोत्तम सिंह जो कैंडिडेट नाम है, इनका कैलाश सिंह फादर नेम है, और इनका जो रिपोर्टिंग टाइम दिया है फ्रेंड्स 4/5/2023 को इन सभी कैंडिडेट को जाकर सीकेपी में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। 277 कैंडिडेट ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनका असिस्टेंट पॉइंट्समैन में हुआ है। तो सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। भूषण कुमार, आलोक कुमार और इसके बाद राजा कुमार, जयदेव दत्ता, तो सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट जो कौन सा डिपार्टमेंट दिया। इसके बाद बात करें तो फ्रेंड्स हॉस्पिटल असिस्टेंट, देख सकते हैं टोटल 7 कैंडिडेट है एक ही पेज में दिया गया है। तो 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका हॉस्पिटल असिस्टेंट में हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट नेम चंदन कुमार और फादर्स नेम रामचंद्र महतो, और इनका जो रिपोर्टिंग टाइम है 2/5/2023। तो 7 ऐसे कैंडिडेट हैं, सभी 7ों कैंडिडेट को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई जिनका हॉस्पिटल असिस्टेंट में हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं गीतांजलि कुमारी, उसके बाद रोशन कुमार, उसके बाद शिवम कुमार, संतोष कुमार और संजीव कुमार, धीरज कुमार, तो सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। अब फ्रेंड्स बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर दिया हुआ है फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स टू बी केप्ट इन डिजिटल फॉर्मेट PDF एक्सेप्ट सीरियल नंबर 7 और 9। तो 7 और 9 को छोड़कर बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन किया गया है CKP की तरफ से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बना कर ले जाना है। द साइज ईच डॉक्यूमेंट शुड बी लेस देन 2 MB, तो 2 MB से कम होना चाहिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सारा चीज़ आप लोगों को बना कर देना है फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया है। कैंसल चेक, एक नंबर में कैंसल चेक, जिनका भी अभी बैंक पासबुक अगर नहीं खुला है तो जाके बैंक पासबुक खुलवा लेंगे और उसका कैंसल चेक सर्विस ले लेंगे और चेक कैंसिल किया हुआ चेक ले लेंगे। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म जो आप लोगों को मेल के द्वारा प्राप्त हुआ होगा CKP डिवीजन से, उस अटेस्टेशन फॉर्म को ले लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। इसके बाद ओथ जो है, जो शपथ लेना है उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। मैंडेट फॉर्म देख लीजिएगा फ्रेंड्स, मैंडेट फॉर्म डाउनलोड करना है, और ये मैंडेट फॉर्म के बारे में अभी मैं मेंशन कर दूंगा कुछ देरी के बाद, ये कि इसका काम बेसिकली बैंक से रिलेटेड होता है, और ये मैंडेट फॉर्म भी आप लोगों को बैंक में जाकर बनवा लेना है फ्रेंड्स। इसके बाद आधार कार्ड, और उसके बाद 7 और 9 नंबर को छोड़ देना है, ये वहीं पर शायद वो लोग भरवाएंगे, ये जो कि रेलवे द्वारा डिपार्टमेंट में ये बनवाया जाएगा फ्रेंड्स। NPS का जो न्यू फॉर्म है उसी को ये लोग वहाँ पर भरवाएंगे डिवीज़न में। इसके बाद 8 नंबर में पैन कार्ड है। इसके बाद रेजिग्नेशन लेटर इन हार्ड कॉपी, तो ये 7 और 9 दो नंबर को छोड़ देना है फ्रेंड्स। इसके बाद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो PDF एंड JPG, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कैरी करना है, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शुड मस्ट बी कैरी विथ यू योर सेल्फ एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो फ्रेंड्स ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेके जाइएगा, कैरी करके सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ लेके जाइएगा और जाके वहाँ पर रिपोर्टिंग करके अपना ज्वाइनिंग लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी अभी तक लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।